साथ और क्या करती है? नमस्ते, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम नलिता खान है और मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की डिप्टी डायरेक्टर हूँ। मेरा एनजीओ है सृष्टि सामाजिक सेवा संस्था, उसकी फाउंडर हूँ मैं। और यूबिका फाउंडेशन भी मेरा एक एनजीओ है जहाँ पर मैं सेक्रेटरी हूँ। और मैं सोशल वर्कर हूँ, जहाँ पर लोगों को मदद लगती है वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके उनकी मदद कर सकूँ। राइट, आपने कहा कि आप सोशल वर्कर है और आपका जो है एक एनजीओ भी है जिसने कोविड में बहुत ही अच्छा काम किया, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्योंकि जो अच्छा काम है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। कोविड पहली बात तो सबके लिए एक शॉकिंग सिचुएशन था जो आ गया था, और शुरुआत में तो ऐसा था कि सब लोग डरे हुए थे। इनफैक्ट मतलब मैं, क्योंकि मैं खुद भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो उस वक्त थोड़ा सा डर हमारे मन में भी बैठ गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस वक्त हमारा जो है वो ये आखिरी साल है। लेकिन जब लोगों को देखा कि उनमें तो हद से ज्यादा डर है, क्योंकि उनकी इनकम वगैरह एकदम से मतलब सब कुछ लॉकडाउन हो गया, तो वहां पर ऐसा लगा कि अगर कुछ हो जाए तो अच्छा करके ही जाएंगे दुनिया से। तो तभी हमने ये सोचा, नहीं मैं और मेरे कार्यकर्ता, हम लोगों ने ये सोचा नहीं, हम लोगों को लोगों के बीच में जाना है, जहां पर उनको मदद किसी भी किस्म की जरूरत पड़े हम लोग हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम लोग उनको पहुंचा सके वो मदद, खास करके उस वक्त रेशन, फूड सप्लाईज। फिर कुछ लोगों को उस वक्त तो ऐसा था कि हॉस्पिटल में एडमिशन वो बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग क्रिटिकल हो जा रहे थे, अचानक से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बुखार आ रहा था, सर्दी खांसी था, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर सर्दी खांसी है तो भी हम मर ही जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। तो उनको बाद में धीरे धीरे हमें भी रियलाइज हुआ प्रॉपर एडुकेशन से, डॉक्टर्स से मिलने के बाद, कि नहीं मतलब डायरेक्ट ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग को प्रिकॉशंस लेने। तो लोगों को जाके पहले हमने समझाया कि डरो मत, घबराओ मत। फिर उनका जो हॉस्पिटल एडमिशन वगैरह उसमें हमने हेल्प किया, उनको एडमिशन दिलवाया हॉस्पिटल में, हो सके जितना डॉक्टर को समझाया कि बेड जैसे खाली होता है प्लीज हमारे पेशेंट को कंसिडर कीजिए, ये गरीब लोग है, अफोर्डेबल उनका जो ट्रीटमेंट है अफोर्डेबल नहीं है। फिर कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि लोगों के बिल्स एकदम हाई हो गए, क्योंकि आप रियलाइज किए होंगे बहुत लोगों को उस वक्त वेंटिलेटर पे रखा गया, ऑक्सीजन पे रखा गया, तो वेंटिलेटर का खर्चा पर डे के हिसाब से बहुत हो जाता है। तो हमने वहां पर हमारे एनजीओ की तरफ से उनको कंसेशन दिलवाया, जहां वो भर सके उतना हमने भरवाया, कुछ लोगों को फ्री में भी, मतलब यहाँ तक कि उनका माफ करवाया जो बिल, वो भी कराया हम लोगों ने। राइट, ऑल्सो जो है कल आपको इसी अच्छे काम के लिए जो है गवर्नर साहब ने नवाजा है, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए, और कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए राजभवन में अवार्ड रिसीव करना? देखिए मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वो एक ह्यूज अचीवमेंट था, एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि हमारे गवर्नर जो राज्यपाल हैं मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी, उनके हाथों से अवार्ड लेना एक अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है। तो ये चीज़ मतलब ऐसा हमको लगा कि नहीं, मतलब हमारा काम कोई ना कोई तो देख रहा है और कोई ना कोई उस काम को सराह रहा है, दे आर प्राउड ऑफ वॉट वी आर डूइंग। और इसी तरह हमको अगर शाबाश की मिलते जाए, हमारे काम को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है ऐसा लगे हमको हर बार, तो कौन बैठेगा हाथ बांधे, लोगों को कौन हेल्प नहीं करना चाहेगा। प्लस वो खुद भी 80 ईयर ओल्ड है, ये उन्होंने कल बताया, और इतना होने के बावजूद भी वो 3 घंटा खड़े थे स्टेज पे अवार्ड देने के लिए। तो जब इतने बड़े सीनियर सिटीजन है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब हमारे लिए, हमको सम्मान करने के लिए खड़े रह सकते हैं, तो हम लोग एज ए यंग जनरेशन जो है वो क्यों नहीं हेल्प करने कर सकते लोगों के लिए। और आप बहुत सारी बातें की गवर्नर साहब ने स्टेज पर, आपने उसमें से कौन सा मैसेज जो है अप्लाई करने का सोचा और क्या कहना चाहेंगे उस मैसेज के बारे में? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो काम लोग कर रहे हैं कोविड में, खास करके उन्होंने एक चीज देखा कि बहुत लोग अलग अलग फील्ड से एक जगह पे, मतलब सब लोगों ने अपनी तरफ से जितना हो सके उतना लोगों को हेल्प किया है ग्राउंड लेवल पे आके। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो सिर्फ एक सोशल वर्कर बाहर नहीं आया था उस वक्त, मतलब आम जो लोग थे जिनके पास पॉसिबिलिटी थी कि जहाँ हम अभी किसी के लिए हेल्प कर सके वो भी आए, तो उन्होंने वो भी कहा कि बहुत बड़ी बात है। खास करके उन्होंने मीडिया की भी तारीफ की कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ कवरेज किया, जहाँ पर इनफैक्ट मैं भी बोलूंगी मीडिया का धन्यवाद, क्योंकि एक आध जगह पे ऐसा था कि मतलब एडमिशन नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल में,
और बेड खाली होने के बावजूद भी वो लोग नहीं दे रहे थे। तो उस वक्त आप बोलेंगे ना, जैसे एक हम लोग क्या बोलते हैं डमी जैसे जाके हम लोगों ने प्रिटेंड किया था कि हम पेशेंट, तो उस वक्त मीडिया ने खास करके उस वक्त हेल्प किया था वो हॉस्पिटल को बोल के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सिर्फ मीडिया के धमकी की वजह से उन्होंने बेड अवेलेबल करवाया हमारे पेशेंट्स को। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। और राज्यपाल जी ने ये कहा कि इस बार अगर हमसे अवार्ड ले रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा और ये चाहूंगा कि आप जैसे लोग जो है यहाँ पर अवार्डीज, अगली बार हम राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड लें। लास्टली मैम, क्या प्लान है फ्यूचर के और क्या क्या इनिशिएटिव लेने वाली है आप इन फ्यूचर, अगर उस बारे में कुछ बताएं। फ्यूचर के प्लान्स तो यही है कि लोगों के काम आ सके जितना। आज अगर 100% में से अगर हम 50% खरे उतर रहे तो ये कोशिश रहेगी कि 100 पे 100 तो कम से कम, अगर नहीं आ सके तो एटलीस्ट 90% तो आ जाए। इतना है कि जब जब भी इस दुनिया से एग्जिट ले तो लोग हाथ जोड़ के बोले कि नंदिता खान बहुत अच्छी औरत थी। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।